दोस्तों नासा आज बहुत ही तरक्की कर चुका है। नंबर्स में बात करें तो अवेलेबल डेटा के हिसाब से नासा आज तक 166 क्रूड फ्लाइट्स अंतरिक्ष में सक्सेसफुली भेज चुका है, जिसका मतलब है कि नासा ने 166 बार इंसानों की पूरी टीम को अंतरिक्ष में भेजने का मुकाम हासिल किया है। अब जरा गैस करिए कि इतने सारे मिशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए नासा ने आज तक कितने ही स्पेस शूट्स को बनाए होंगे या फिर कितने सारे स्पेस सूट्स को खरीदे होंगे। गेस करो, 200, 150 या 100? वेल, ये संख्या 100 भी नहीं है बल्कि 30 से भी कम है। बट हाउ? तो देखो, दरअसल 1960 के दशक में जब नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजना शुरू किया था, तो बार बार कोशिश करने के बावजूद उनके द्वारा डिजाइन किए जा रहे स्पेस सूट्स फेल हो जाया करते थे। अब बात ये थी ना कि नासा के इंजीनियर्स को एक अच्छा स्पेस सूट बनाने के लिए टाइम चाहिए था, और चूंकि उस दौर में अमेरिका और रशिया के बीच स्पेस रेस चल रही थी, इसीलिए अपने ईगो की वजह से टाइम ही इकलौती ऐसी चीज थी जो अमेरिका बर्बाद नहीं करना चाहता था। और इसीलिए फेलियर्स में वक्त जाया करने की बजाय सितंबर 1965 में नासा ने अपने स्पेस सूट्स को डिजाइन करने और उन्हें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल लेटेक्स कॉर्पोरेशन, जिसे शॉर्ट में ILC डोवर भी कहा जाता है, उसे दे दिया। अब दोस्तों, सालों तक अलग अलग मॉडल्स को टेस्टिंग के लिए यूज किया गया, बट देन फाइनली 13th ऑफ जनवरी 1968 के दिन एस्ट्रोनॉट जेम्स इरविन ने 2,40,000 फीट की एल्टीट्यूड वाले एनवायरनमेंट में स्पेस सूट्स को पहन के अलग अलग मैन्यूवर्स परफॉर्म किए, और जब सूट इन सभी टेस्ट में पास हो गया तब जाके इस सूट को एक आइडियल मॉडल मानकर फाइनलाइज किया गया। अब देखो, ये वही स्पेस सूट था जिन्हें सभी अपोलो मिशंस में इस्तेमाल किया गया था। ILC डोवर के इतने अच्छे प्रोडक्शन की वजह से 6 साल बाद यानी कि साल 1974 में भी नासा ने स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए कंपनी को 18 और स्पेस सूट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसको हैंडओवर करते हुए ILC डोवर ने कहा था कि मैक्स टू मैक्स इन स्पेस सूट्स को 15 साल तक ही यूज करा जा सकता है। बट गेस व्हाट, 1974 से आज साल 2023 तक करीब 50 साल हो गए हैं, लेकिन नासा फिर भी उन्हीं स्पेस सूट्स को बार बार रीयूज कर रही है, जिन्हें साल 1989 में ही इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए था। हालांकि ऐसे में सवाल आता है कि जिस नासा को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग मिलती है, आखिर वहां ऐसी भी क्या दिक्कत है कि एस्ट्रोनॉट्स को ढंग का स्पेस सूट तक मुहैया नहीं करवाया जा सकता। अब कहीं ये किसी इंटरनल पॉलिटिक्स और करप्शन को छुपाने की कोई साजिश तो नहीं है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, इन डेप्थ जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर स्पेस सूट्स इतने खास क्यों होते हैं। बिजनेस इनसाइडर के आंकड़ों के हिसाब से 1974 में जब इन स्पेस सूट्स को खरीदा गया था, तब उस दौर में एक स्पेस सूट की कीमत 15 से 22 मिलियन डॉलर्स के बीच थी। अब अंदाजा दिया जाए तो उस वक्त जिस कीमत में एक पर्सनल बोइंग 747 प्राइवेट एरोप्लेन खरीदा जाता था ना, उतने पैसे नासा को सिर्फ एक स्पेस सूट खरीदने के लिए देने पड़ते थे। मगर देखो, ये स्पेस सूट्स यूं ही कपड़े और सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके बनाया नहीं जाता था, बल्कि एक स्पेस सूट में ढेरों क्वालिटीज और सेटअप्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, एस्ट्रोनॉट को दिक्कत ना हो इसीलिए पीछे ही पानी का बैग लगा दिया जाता था, लिक्विड और थर्मल वेंटिलेशन के लिए पूरी फैसिलिटी होती है, हेलमेट के पास कैमरा इंस्टॉल किया जाता है ताकि फर्स्ट पर्सन में सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड हो सके, और हेलमेट में लाइट्स भी लगाई जाती है ताकि सडन डार्कनेस से एस्ट्रोनॉट की विजिबिलिटी में अंतर ना आए। यही नहीं, अभी और सुनो, नासा की खुद की डिटेल के हिसाब से स्पेस सूट के आर्म में मटेरियल की 14 लेयर्स चढ़ाई जाती है। जी हाँ, एक हाथ में 14 परते और कपड़े भी कोई नॉर्मल नहीं लगाया जाता, बल्कि कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो दुनिया में बहुत रेयरली ही प्रोड्यूस होता है। इवन पैर के हिस्सों में भी 11 लेयर्स होती हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि एक स्पेस सूट को बनाने में कितना एफर्ट, टाइम और पैसा जाता होगा। अब जरा अमेरिकन साइंटिस्ट द्वारा पोस्ट किए गए इस तस्वीर को देखिए, आपको ये खुद पता चल जाएगा कि नॉर्मल से दिखने वाले स्पेस सूट के अंदर कितने मैकेनिज्म और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है और कितने सारे इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, और तभी तो जाकर एस्ट्रोनॉट इतने कम प्रेशर, ग्रेविटी और ऑक्सीजन को सर्वाइव कर पाते हैं। हालांकि ये बहुत सोचने वाली बात है कि नासा आए दिन किसी क्रूड मिशन को अंजाम देता ही है या प्लान करता ही रहता है। इवन ISS में भी नासा के कितने वैज्ञानिक जान की बाजी लगा रहे हैं, पर इतने खतरनाक काम को नासा इतना लाइटली लेता है कि जिसके लिए उन वैज्ञानिकों को एक नया और सर्टिफाइड स्पेस सूट तक प्रोवाइड नहीं करवाया जाता।
अब अगर आप हम यूट्यूबर्स को मिल्किंग करने के लिए ताने मारते हैं तो नासा हम सबका बाप है, जिसने उन 18 स्पेस सूट्स को खतरनाक हालत में भी इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि आज ये नौबत आ चुकी है कि नासा के पास साल 1974 के सिर्फ 4 स्पेस सूट्स ही बाकी है। जिसका मतलब अगर आज के दिन नासा को अर्जेंटली वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में भेजना पड़े तो अपने रिसोर्सेज के आधार पर वो सिर्फ 4 ही एस्ट्रोनॉट्स को धरती के बाहर भेज सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या नासा के पास बजट कम है? वैल इस सवाल का जवाब हाँ भी है और नहीं भी। देखो दोस्तों, आज की डेट में नासा में करीब 19,000 कर्मचारी है जिनकी एवरेज सैलरी $1,00,000 सालाना है। मोटा मोटा गणित लगाई जाए तो हर साल नासा करीब $2 अरब सिर्फ अपने कर्मचारियों को सैलरी देने में खर्च कर देता है। मगर इसके अलावा भी नासा के पास बहुत से खर्चे हैं। अकेले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मेंटेन करने में हर साल 3 से 4 अरब डॉलर लग जाते हैं। इसके अलावा जो सैकड़ों सैटेलाइट्स धरती के ऊपर मंडरा रही है ना, वो भी करीब 2 से 3 बिलियन डॉलर्स मेंटेनेंस के लिए मांग लेती है। अब देखा जाए तो करीब 8 से 10 अरब डॉलर तो नासा के सिर्फ और सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग चीजों को मेंटेन करने पर ही लग जाते हैं। इसके अलावा नासा में चलते रहते हैं ढेर सारे प्रोजेक्ट्स जिसमें से कई तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स मांगते हैं। अब खुद सोच कर देखो कि आज से 3 साल पहले किसको ही पता था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप $10 अरब का बन रहा है, वो भी विदाउट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स। एंड लेट मी टेल यू कि जेम्स वेब से महंगे प्रोजेक्ट्स भी इस समय नासा के अंदर 100% इन प्रोसेस होंगे ही होंगे। इसके अलावा नासा तैयारी कर रहा है अगले 10 सालों में चांद और मंगल ग्रह दोनों पर ही बस्ती बसाने की, जिसके लिए कितना खर्चा आने वाला है इसका अंदाजा मुझे तो क्या इलोन मस्क और नासा को खुद भी नहीं होगा। अब देखो, इन सारे खर्चों के बीच अगर आप किसी भारतीय की नजर से देखेंगे तो नासा को हर साल अलॉट होने वाला $24 बिलियन का बजट भले ही बहुत ज्यादा लगता होगा, लेकिन हकीकत यह है कि साल के अंत में फिर भी उनके पास ज्यादा कुछ नहीं बचता। अब कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि नासा ने कभी स्पेस सूट्स बनाने का ट्राई ही नहीं किया, बल्कि वो इस माइंडसेट में पड़ा रहता है कि जब तक पुराने वाले स्पेस सूट चल रहे हैं तब तक चलने दिया जाए। लेकिन दोस्तों देखो, ये सब सिर्फ झूठी अफवाहें हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से साल 2009 से अब तक नासा करीब $200 मिलियन सिर्फ अपनी स्पेस सूट रिसर्च में खर्च कर चुका है, पर फिर भी आज तक जो ऑर्गेनाइजेशन चांद पर जा चुकी है उससे एक ढंग का स्पेस सूट नहीं बनाया गया। अब आपके लिए ये बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अंतरिक्ष की कंडीशन में ये आउटडेटेड स्पेस सूट्स बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए साल 2000 में जब कॉस्मोनॉट कार्लोस नोरिएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सर्विसिंग कर रहे थे, तभी अचानक पानी की एक बूंद उनके हेलमेट से टकराकर उनकी आंखों में चली गई। अब घबराने वाली बात ये थी कि पानी साबुन वाला था, जिस वजह से कार्लोस की आंखें इतनी तेज चरचराने लगी कि आधे घंटे तक उन्हें सब कुछ दिखना ही बंद हो गया, और अगर उन्हें समय पर अंदर ना लिया जाता तो शायद छटपटाने की वजह से उनका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से संपर्क भी टूट सकता था, जिसके बाद वो अंतरिक्ष की उन अनंत गहराइयों में चले जाते जहां से उनको जिंदा रहते रिट्रीव कर पाना असंभव हो जाता। आर्टिमस मिशन की प्रोबेबल लॉन्च डेट साल 2024 के लिए शेड्यूल की गई है। ऐसे में लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि क्या नासा तब तक इस पर स्पेस सूट्स रेडी कर पाएगा। वेल, इसी परेशानी को देखते हुए इस बार भी नासा ने अपना काम एक दूसरी कंपनी को आउटसोर्स किया है, और इस बार इस कंपनी का नाम है एक्सियोम स्पेस। एक्सियोम स्पेस एक ऐसी एरोस्पेस सर्विस रिलेटेड कंपनी है जिसने नासा के साथ $3.5 बिलियन का सीलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये कंपनी नासा के अगले कुछ मिशंस के लिए स्पेस सूट्स को प्रोवाइड करने के साथ साथ आने वाले 10 सालों तक नासा को अपनी सर्विसेज भी देंगी। अब इस डील में साल 1974 के कंपैरेटिवली लाइटर और ज्यादा एडवांस स्पेस सूट को प्रोवाइड करे जाने की बात कही जा रही है, और जिसका नाम रखा गया है XEMU, स्टैंडिंग फॉर एक्सियम एक्सप्लोरेशन एक्स्ट्रा वेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट। इसमें मून के साउथ पोल के टेम्परेचर वेरिएशन से डील करने के लिए थर्मल सिस्टम्स को एडवांस किया गया है। हाथ पैर और फ्लेक्सिबल हो सके इसके लिए लेयर्स को कम और कपड़े को पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा कैमरा और लाइटिंग इंप्रूव करने के साथ साथ ऐसी खबरें आ रही है कि इस स्पेस सूट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट करके एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ और ज्यादा आसान बनाने की कोशिश भी करी जाएगी, ताकि अंतरिक्ष में अपनी कनेक्टिविटी को AI की असिस्टेंट से वो और ज्यादा इंप्रूव कर सके। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट की एक बात जो बहुत ज्यादा खास है वो है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के ड्यूरेशन में जितने भी
भी स्पेस सूट एक्सियम स्पेस नासा को देगी ना, वो सभी नासा को किराए पर ही दिए जाएंगे और उन पर नासा का कोई अधिकार नहीं होगा, जो कहीं ना कहीं बहुत स्मार्ट मूव है जो एक्सियम स्पेस को आगे आने वाले समय में फंडेड रखेगा। अब कुछ इसी तरह का स्पेस सूट स्पेसएक्स ने भी शोकेस किया था, जिसमें उन्होंने अननेसेसरी इक्विपमेंट्स हटाने के साथ साथ एस्ट्रोनॉट्स के पीछे लगा वाटर टैंक भी हटा दिया था, ताकि उसको पहनने वाले व्यक्ति का बोझ कम होने के साथ साथ स्पेस सूट्स की कॉस्ट में भी कमी आ सके। हालांकि ये एक अच्छा कदम भी है, क्योंकि नासा जहां अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड रहेगा, तो वहीं उनके स्पेस सूट्स का काम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन संभाल लेंगी और दोनों अपने अपने काम में परफेक्ट आउटपुट निकाल पाएंगे। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से मंगल ग्रह पर जाने में पहले नासा कामयाब होगा या स्पेसएक्स, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आपने भी रिसेंटली हुए स्टारशिप के लॉन्च फेलियर को देखा है? वेल, ये वही रॉकेट है जिसके जरिए नासा अपने आर्टिमस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने की कोशिश करेगा। वैसे अभी तो ये फेलियर हुआ, लेकिन आगे जाकर देखते हैं कि ये सक्सेसफुल कब होता है। अब आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।